engaged. Hey, what? Very like her. It's not the first date. How do you feel about possibly moving to London? She's fine with it. It's a very multicultural place. Holy man. इश्क की खेलूं घर बे परवाही झेलूं तुझे पाऊं खुद हो जाऊं रंगरेजा। और आपने उन्हें बताया नहीं क्या कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं मैम? अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है सज्जल अली। सज्जल अली एक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जो बुनियादी तौर पर टेलीविजन और फिल्मों में काम करती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक हैं। वो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के मैदान में एक चमकदार और वर्सटाइल अदाकारा हैं जो टेलीविजन और फिल्म दोनों में अपनी नुमाया खिदमात के लिए मशहूर हैं। और हाल ही में सज्जल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। सज्जल अली की इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करें तो 17 जनवरी 1994 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुई। उनकी उम्र 30 वर्ष है और उनका कद 5.2 इंच है। अदाकारी की दुनिया में सफ़र 2009 में जियो टीवी के सेट नादानिया से शुरू किया। तब से उन्होंने अपनी मुतहरिक परफॉर्मेंस से सामेईन को मसहूर कर रखा है जिसमें मुख्तलिफ किरदारों की तस्वीरकशी की गई है। अनवाल असरी ड्रामों से लेकर रोमानवी सागास तक अपनी अदाकारी की सलाहियतों से हटकर सज्जल ने मॉडलिंग में भी कदम रखा। सज्जल अली की तालीम पर बात करें तो बुनियाद लाहौर ग्रामर स्कूल में रखी गई जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से आर्ट्स फलसफा में डिग्री हासिल की जिससे उनकी फ़नी हसासियात की परवरिश हुई। सज्जल अली के ख़ानदान और ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो उनकी ज़िंदगी के पचीदा ताने बाने में उनके ख़ानदान का अहम किरदार है। वो अपने वालिदैन सैयद अली और राहत के यहाँ एक ऐसे घराने में पैदा हुई जो उनके दिल में एक ख़ास मुकाम रखता है। उनके साथ दो बहन भाई हैं, सबूर अली उनकी बहन जिन्होंने तफरीही सनत में भी अपना मुकाम पाया है, और उनके भाई अली सैयद जिन्होंने इंजीनियरिंग में एक कामयाब कैरियर बनाया है। ताहम खुशियों और कामयाबियों के दरमियान सज्जल अली को भी गहरे दुख का सामना करना पड़ा। 2017 में कैंसर के साथ एक बहादुर जंग के बाद सज्जल की मां राहत के इंतकाल का सानिया हुआ। इस नुकसान ने सज्जल के दिल पर एक अनमिट निशान छोड़ दिया। उनकी दुनिया को इन तरीकों से नई शक्ल दी जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इस नुकसान का मुकाबला करते हुए बिलाशुबा बेपनाह चैलेंजेस दरपेश हुए, लेकिन सज्जल ने इन तारीख तरीन लम्हात में अपने बहन भाइयों को संभाला और रहनुमाई की रोशनी बनकर उभरी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी बिलखसूस साथी अदाकार रजामीर के साथ 2019 में उनकी मंगनी अवाम की तवज्जो का मौजू बन गई। उसके बाद 2020 में शादी ने बहुत से लोगों को तसव्वुर के लपेट में ले लिया जो उनके मद्दाहों की नज़रों में मोहब्बत और अज़्म की अलामत थी। ताहम जैसा कि ज़िंदगी अक्सर गैर मुतवक्के तरीके से सामने आती है, सज्जल के सफ़र ने 2022 में उनकी शादी के टूटने के साथ एक और मोड़ लिया था। कानूनी तलाक ने उनकी ज़िंदगी के एक बाब के खात्मे का निशान बनाया जिससे उन्होंने नई शुरुआत को अपनाया। सज्जल अली के पेशा वराना अदाकारी के सफ़र पर बात करें तो तफरीही सनत में सज्जल का अरूज बदतदरीज था, लेकिन काबिले जिक्र कामयाबियों से निशानजद हुआ। मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोडक्शंस में मामन किरदारों से लेकर थ्रिलर ड्रामा 2013 नन्ही में उनकी ब्रेकआउट परफॉर्मेंस तक सज्जल की रफ्तार को मतनूफ और मजबूर किरदारों को पेश करने के उनके अज़म से बयान किया गया। यकीन का सफ़र 2017 में डॉक्टर सोबिया अस्पंदियार के किरदार ने उन्हें वसी पैमाने पर पजीराई और मुतद्दद अवार्ड्स हासिल करवाए जिससे उनकी हैसियत एक ज़बरदस्त टैलेंट के तौर पर मुस्तहकम हुई। सिनेमा के दायरे में श्रीदेवी के मद्दे मुकाबल मॉम 2017 के साथ बॉलीवुड तो उनके मशहूर ड्रामों में शामिल हैं यकीन का सफ़र 2017, डॉक्टर सोबिया अस्फंदियार की तस्वीरकशी जिंदगी की आजमाइशों पर तशरीफ ले जाने वाली एक लचकदार मेडिकल तालिबा ने तनकीदी तारीफ हासिल की। ए रंगरेज़ा 2017 से 2018 जिसमें सज्जल अली ने सामेईन को मशहूर कर दिया।
सस्सी एक शायर की पुरजोश बेटी के तौर पर अपनी उम्दा कारकर्दगी के लिए तारीफ कमाई। अलिफ 2019 में सज्जल अली ने एक जदोजहद करने वाली अदाकारा मोमिना सुल्तान के सफर को गहराई और सदाकत के साथ दिखाया, जिससे उन्हें बेहतरीन टीवी अदाकारा के लिए नामजदगी हासिल हुई। इसके बाद सिन्फे आहन 2021 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक खातून कैडेट राबिया महफूज की तस्वीर कशी की और अपनी इस्तेदाद का मुजाहरा किया और तनकीदी तारीफ हासिल की। सज्जल के अवार्ड्स के साथ मशहूर फिल्मों पर बात करें तो मॉम 2017 बॉलीवुड की इस फिल्म में आर्या का किरदार अदा किया। इस किरदार ने सज्जल के लिए बहुत से नए दरवाजे खोले और आलमी सतह पर उनको तारीफ हासिल करवाई। इसके बाद 2021 में खेल खेल में इस तारीखी ड्रामे में जारा के तौर पर सज्जल की परफॉर्मेंस ने उन्हें बेहतरीन फिल्म अदाकारा का शानदार लक्स स्टाइल अवार्ड हासिल करवाया, जिससे फिल्मी सनत में उनके मौकफ को मजीद मजबूत किया गया। और उसके बाद 2023 में उन्होंने अंग्रेजी जुबान की पहली फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में काम किया। ये फिल्म जुमाइमा खान की प्रोडक्शन थी। इसमें उन्होंने अहम किरदार में शानदार कारकर्दगी पेश की, जिसने फिल्म की तजारती कामयाबी में अहम किरदार अदा किया और इंटरनेशनल सतह पर सज्जल अली को काफ़ी पजीराई हासिल करवाई। इसके अलावा सज्जल अली ने Z5 की सीरीज धूप की दीवार में आहत रजा मीर के साथ काम किया। इस सीरीज में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन और खैरसगाली को फरोग दिया गया। कई सालों के दौरान सज्जल अली की काबिले जिक्र सलाहियतों को मुतअद्दिद अवार्ड्स और नामजदगियों के जरिए तस्लीम किया गया, जो तफरीही सनत में उनकी इस्तेदाद और असर को जाहिर करता है। 2013 में उन्हें मेरे कातिल मेरे दिलदार में अपने किरदार के लिए बेहतरीन मावन अदाकारा के हम अवार्ड्स के लिए नामजदगी मिली। साल 2017 ने उनके कैरियर में एक अहम संग मील का निशान लगाया, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़े के लिए नामजदगियों के साथ साथ गुले राना में अपनी अदाकारी के लिए अहम अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता था। 2018 में यकीन का सफर में उनके किरदार ने उन्हें हम अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा का मकबूल अवार्ड हासिल करवाया। इसके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और अदाकारी की सलाहियतों के लिए मुतअद्दिद नामजदगियों के साथ उन्हें अवार्ड्स और पजीराई हासिल करवाई। मजीद बरा और अंग्रेजा में उनकी दिलकश कारकर्दगी ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स और हम अवार्ड्स दोनों में मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजदगी हासिल करवाई। उसके बाद सज्जल अली ने चमकना जारी रखा और अलिफ और ये दिल मेरा में जैसे मशहूर ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए नामजदगी हासिल की। ख़ास तौर पर खेल खेल में उनके किरदार ने 2022 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म अदाकारा का एजाज हासिल किया। उनकी जीत के साथ साथ सज्जल अली के तावुन को बैनुल अक्वामी सतह पर तस्लीम किया गया। जैसे डियारफा 2020 अवार्ड्स में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड्स जैसे एजाजात। सज्जल की इब्तदाई शुरुआत से उनके मौजूदा कद तक एक मशहूर अदाकारा के तौर पर सज्जल अली का सफ़र इन तारीफ़ों से मुजयन है जो उनकी लाजवाब सलाहियतों और पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविज़न पर असरात की तस्दीक करता है। अवार्ड्स और नामजदगियों पर मज़ीद बात करें तो अपने शानदार कैरियर के दौरान सज्जल अली ने गैर मामूली परफॉर्मेंस के लिए मुतअद्दिद अवार्ड्स और नामजदगियाँ हासिल की, जिनमें हम अवार्ड्स, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, IPPA अवार्ड्स और फिल्मफेयर मिडल ईस्ट अवार्ड्स शामिल हैं। उनकी तारीफें उनकी काबिलियत और तफरीही मंजरनामे पर देरपा असरात के सबूत के तौर पर खड़ी हैं और हाल ही में उन्हें पाकिस्तानी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। उन्होंने अवार्ड वसूल करने वाली वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वो बहुत खुशी महसूस कर रही हैं और इसके लिए वो अपनी मरहूमा वालिदा समेत मुद्दाओं की शुक्रगुजार हैं। सज्जल अली को तमगा इम्तियाज नवाजे जाने पर माहिरा खान, हरीम फारूक, शहजाद रॉय, फहाज अली, माया खान और दीगर कई साथी अदाकाराओं ने उन्हें मुबारकबाद दी। इसके अलावा सरहद पार मुल्क इंडिया से भी बहुत से अदाकाराओं ने उन्हें सराहा, जिनमें सोनम बाजवा का नाम सर फहरिस्त है। सज्जल के आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बात करें तो मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट शायकीन और नाकदीन के दरमियान
यकसा तौर पर तवक्कुआत को जन्म देती हैं। उनकी आने वाली वेब सीरीज द पिंक शर्ट वहाज अली के मुकाबले है। ये एक ज़बरदस्त बयानिया में अपनी सलाहियतों को मजीद जाहिर करने का वादा करती है। अदाकारी के अलावा सज्जल अली बहुत से ब्रांड्स और डिज़ाइनर के लिए मॉडलिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा वो अक्सर गाना गाते हुए भी दिखाई देती हैं, जैसा कि उन्होंने अपने ड्रामा और अंग्रेज़ा के लिए टाइटल ट्रैक और अंग्रेज़ा भी गाया था। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और दिलकश है, और इस बात का सबूत है कि सज्जल अली एक वर्सटाइल अदाकारा हैं। नाजरीन, ये थी सज्जल अली की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।